लालू यादव के बड़े लाल बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जरा अलग अंदाज के नेता हैं। कभी अपने अतरंगी कपड़ों और अंदाज के लिए चर्चा में आते हैं तो कभी अपनी बदजुबानी के लिए। तेज प्रताप यादव इस वक्त बनारस के एक होटल में हुए विवाद के कारण चर्चा में हैं। पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं, इसके बाद विवाद पर आएंगे। वाराणसी के होटल आर्केडिया में बीते 7 अप्रैल को बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव और होटल स्टाफ के बीच बदसलूकी का मामला सामने आया। आधी रात में तेज प्रताप यादव के होटल छोड़कर जाने की तस्वीरें सामने आई। मंत्री तेज प्रताप यादव की तरफ से होटल स्टाफ पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज करवा दी गई। वही इस मामले में होटल मैनेजर ने उल्टा तेज प्रताप यादव और उनके लोगों पर धक्का मुक्की, तोड़फोड़ और होटल और खाने के लगभग 43,000 रुपए के बकाए को नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें होटल के मैनेजर घुटने के बल बैठकर तेज प्रताप यादव से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। कम से कम ऐसा ही दावा तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने किया, लेकिन होटल के मैनेजर ने इस प्रकरण की सच्चाई बताई है। होटल के मैनेजर संदीप पालित ने माफी मांगने के सवाल पर कहा, जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांगना, एक साथ जब 50 लोग आपके साथ बदसलूकी और बदतमीजी कर रहे हों, उसी दौरान हुई धक्का मुक्की से मैं गिर गया था, भारी बदन का हूं तो मुझे उठने में टाइम लगा, उसी वक्त किसी ने वीडियो बना लिया और यह झूठ फैला दिया, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि मंत्री जी का पैर छूकर माफी मांगिए। बहरहाल तेज प्रताप यादव गाहे बगाहे चर्चा में आ ही जाते हैं, कभी सही कारणों से तो कभी गलत वजहों से। बनारस होटल विवाद का मामला अब पुलिस के पास है, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव और होटल मैनेजमेंट दोनों ही बिल्कुल विपरीत दावे कर रहे हैं। इस बीच होटल के मैनेजर के तेज प्रताप यादव के पैरों में गिरकर माफी मांगने की खबर को खुद मैनेजर ने ही गलत बताते हुए तेज प्रताप यादव और उनके लोगों पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।